आज हमारा टॉपिक क्या है कि अजवाइन से हम कैसे वजन कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अकीला मुश्ताक, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम करंट वर्किंग एट मॉर्निंग टाइम लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड इवनिंग टाइम लाहौर पॉलीक्लिनिक। आज हमारा टॉपिक क्या है कि अजवाइन से हम कैसे वजन कम कर सकते हैं। मोस्टली पेशेंट्स को मैं ड्यूरिंग डाइट प्लान अजवाइन का कावा भी रिकमेंड करती हूँ। कावा बनाने के लिए अगर अपने डाइट प्लान के अंदर प्री ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें, नाश्ते से पहले हम प्री ब्रेकफास्ट इनटेक करवाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। अजवाइन की कैलोरीज होती हैं, अगर आप 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 5 कैलोरीज मिलती हैं। इसके अंदर ज़्यादा फाइबर होता है, आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज के इश्यूज आते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो उससे सही करने में हेल्प आउट करता है। ये फाइबर रिच भी सोर्स आता है ये अजवाइन, ये हर्ब्स के अंदर फॉर्म में आते हैं। तो आप उसे जब भी कबाब बनाना शुरू करें तो नीम गर्म पानी 1 या 2 कप लेकर उसे उबालें। 2 कप्स को उसके अंदर 1 टेबल स्पून आप डालकर स्टीम पर रख दें। जब वो पक जाएगा अच्छे तरीके से, कप में डालकर उसे इस्तेमाल कर लें। उसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं। इससे आप दिन में दो टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बहुत अच्छे तरीके से वजन कम हो सकता है। पीसीओएस की फीमेल्स जो मेरे पास आते हैं उनको भी मैं रेकमेंड करती हूँ। मैन पावर को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है अजवाइन। अजवाइन आप कावा भी पी सकते हैं, साथ सालन के फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। सालन के फॉर्म में आप किस तरह ले सकते हैं, आप खाना घर में बन गया, आपने अपना डाइट वाला सूप बना लिया दाल का सूप, उसके ऊपर आप अजवाइन लाइट सी डाल दें, थोड़ी सी मतलब पिंच सा आपने अजवाइन लेनी और सालन या उस सूप के ऊपर डालकर वो भी इंटेक कर सकते हैं। उससे आपके डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छी होगी, बॉडी की मतलब जहाँ वो फैट मेकिंग बहुत ज़्यादा है वो भी आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। अजवाइन के फिश अगर खा रहे हैं तो उस पर अजवाइन का, लेमन का और ब्लैक पेपर, पिंक सॉल्ट का थोड़ा सा मसाला जैसा टाइप बनाकर फिश के ऊपर लगा के वो भी आप खा सकते हैं। उससे भी आपका वजन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। मोस्टली पेशेंट्स को होता है कि अपनी चॉइसिस पर जा रहे होते हैं, डाइट प्लान के अंदर हम वो चीज़ें डाल तो देते हैं लेकिन अजवाइन आपका वजन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। इसे हम किसी भी एज के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। मोस्टली मेल हजरात इनका लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होता है, वो इसे बहुत जल्दी रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, तो अजवाइन का मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि डाइट प्लान के अंदर ऐड करवाएं। इससे आपका बीपी हाई नहीं होगा, आपका एचबी लेवल कम नहीं होगा, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। वेट लूज भी करने में हेल्प आउट करता है, फैट को भी कम करने में हेल्प आउट करता है, बॉडी में कॉन्स्टिपेशन या कोई और इश्यूज वगैरह उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। जितना आपका गट हेल्दी रहेगा उतने ही आप फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो ये आप कावे के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर लें या सालन के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर लें, फिश के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कोई भी मतलब सालन वगैरह ले रहे हैं तो उसके ऊपर ऐड करके भी खा सकते हैं। तो इसके फ़ायदे जितने भी आप इनटेक मतलब लेना चाह रहे हैं तो इसकी सर्विंग को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दिन के अंदर सिर्फ आपने लेना 1 टेबल स्पून अजवाइन इस्तेमाल करें। इसका ठंडा गर्म तासीर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसका यूज़ करने का तरीका होता है कि किस मकदार के अंदर और किस टाइम में लेना है। तो मैंने आपको जो वीडियो के अंदर चीज़ें पॉइंट्स बताई हैं क्लियर, आप वो चीज़ों को इस्तेमाल करके इससे अपना अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ड्यूरिंग डाइट प्लान इसे इस्तेमाल करें, इसके अननेसेसरी इस्तेमाल करने से आपको साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। जब भी इस्तेमाल करना हो तो इसी तरीकों पर आप फॉलो करके आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसके साथ भी पानी का सही इस्तेमाल करना है। कमिंग सून समर आने वाला है, समर के अंदर लोगों की डाइट के अंदर लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं होती, लेकिन आपने वाटर का और जूसेस चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। साथ आप कावा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन की जो तरीका या इनटेक करने की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप अपने डाइट प्लान के अंदर ज़रूर ऐड कर सकते हैं। मोस्टली पेशेंट को मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ जिनको एथलेटिक के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, बोन्स में पेन वगैरह होती हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। यह आपकी बॉडी में से जहाँ भी टॉक्सिटीज होंगे उसे रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। अजवाइन को जब भी आप इनटेक करना चाह रहे हैं तो आपकी डाइटिशियन आपको रिकमेंड करती हैं, तो उस पर आपने उनकी रेसिपीज को फॉलो करना है। फर्दर आपको मोर से मोर इन्फॉर्मेशन और चीज़ें वगैरह और बेनिफिशियल चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इसको फॉलो करने के लिए आप जितना भी इस्तेमाल करें तो आपका वजन भी रिड्यूस होगा और साथ साथ आप इसे मेंटेन भी कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे फिजिकल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।